क्या मेन अट्रैक्शंस है घूमने के लिए अगर आप लैंसडाउन आ रहे हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो पीपल, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। चल पड़े हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिप की ओर। टाइटल आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके होंगे, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द अनएक्सप्लोर्ड एंड मैग्निफिसेंट प्लेस ऑफ उत्तराखंड। अगर आप भी मेरी तरह बोर हो चुके हो उन्हीं चार या पांच जगहों पे जाके, दिस व्लॉग इज गोना बी फॉर यू। एंड उसके बाद हम ऋषिकेश भी जाने वाले हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन उत्तराखंड। तो दोनों ऑफ बीट एंड काफी क्राउडेड जगह के मजे लेंगे हम और आपको दिखाएंगे साथ साथ में। बज रहे हैं इस वक्त रात के 12:30 और हम चल रहे हैं दिल्ली से, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स उत्तराखंड इन आर कार। चलिए ट्रिप शुरू करते हैं। सो वी आर ऑलमोस्ट एट लैंसडाउन। यस, लैंसडाउन इज द प्लेस जहां पे हम कर रहे हैं अब फाइनली अपनी ट्रिप स्टार्ट। Now it's finally a touchdown at Lansdowne. आंखों में थोड़ी नींद है क्योंकि रात का सफर किया है। होटल हमने फाइनलाइज कर लिया है। दिस इज आर रूम एंड आप देख सकते हैं किसी भी लग्जरी होटल से कुछ ज़्यादा कम नहीं है, बट प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। काफ़ी ज़्यादा रेकी और ढूंढने के बाद हमें पता लगा ये रूम। दिस इज आकाश, आई लव दिस प्लेस, ग्रेट ब्रो। तो अब आगे चलते हैं, थोड़ा व्यू की तरफ जाते हैं जिसलिए हम आते हैं पहाड़ों में। द मेन अट्रैक्शन द बालकनी, मेरे पीछे आप देख सकते हो, वट अ लवली व्यू पीपल, चेक इट आउट। इसके होते हैं असली पैसे, क्रेजी पूल और बिल्कुल टेरेस के साथ है, लुक्स लाइक एन इंफिनिटी पूल, 180 डिग्री पैनोरामिक व्यू, और क्या चाहिए। काफी क्लीन और बढ़िया स्पेशियस वॉशरूम। सो दिस इज द लॉबी एरिया, ऐसा कुछ ओवरव्यू है प्रॉपर्टी का। और व्यूज तो हर जगह बालकनी से मिलेंगे ही आपको प्रॉपर्टी में। अब आ गए हैं हम ऊपर वाले फ्लोर में और यहाँ पे हैं एक्टिविटीज। सो दिस इज द गेम रूम, यू कैन सी टीडी टेबल, पूल टेबल, द फूजबॉल टेबल जो कि खेलेंगे शाम में, और सबसे बढ़िया बात इस प्रॉपर्टी की है इनकी टेरेस। इतनी बढ़िया टेरेस है, चलो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। एंड हियर वी हैव दिस अमेजिंग टेरेस। आई एम श्योर इसकी वाइब रात को तो बहुत ही अमेजिंग हो जाएगी, बट व्यू चेक करो आप यार, अमेजिंग। ग्लास हाउस फॉर सन बाथ, दिस इज समथिंग न्यू, यू कैन चेक इट आउट। ये देखते हैं क्या चीज़ है ऐसा कुछ, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। आपने अगर देखा है पहले तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे ली जाती है सनबाथ ग्लास हाउस के अंदर, लेट मी नो गाइस। सो इस होटल का आफ्टर बार्गेनिंग जो प्राइस है, जो टैरिफ है, दैट इज 3,000 रुपीज एंड दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ ब्रेकफास्ट। इंक्लूड अगर आपको कराना है ब्रेकफास्ट अपने टैरिफ में तो द टोटल वुड बी 3,500 रुपीज पर नाइट फॉर टू पीपल पर रूम। एंड अगर आप डिनर भी लेना चाहते हैं तो दैट इज 650 पर पर्सन। काफी अच्छा खाना है इनका। मैंने ऑर्डर किया था मसाला डोसा, आकाश ने ऑर्डर किया था पराठा। दिल्ली जैसा टेस्ट था, आई विल गिव इट 9.5 out of 10, ऑलमोस्ट परफेक्ट। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द पूल।
ऐसा पूल विद ऐसा व्यू, क्या चाहिए? और थोड़ा सा पहले पूल को साफ करवाया जा रहा है। अब किसी भी काम के लिए बोलो ना, वो फटाफट हो जाता है। यहाँ पे स्टाफ इज वेरी गुड, पोलाइट एंड हम्बल। तो ये बात मुझे तो एटलीस्ट फर्क पड़ता है इस चीज से, और मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। एकदम रिफ्रेश हो गया है पूरा मूड एंड माइंड। नाउ लेट्स गेट रेडी एंड गेट आउट एंड एक्सप्लोर लैंसडाउन। सो वी आर ऑल सेट एंड रेडी। और ये देखो अब राजकुंद्रा कहने वाला था। और हम जा रहे हैं बाहर थोड़ा एक्सप्लोर करने लैंसडाउन, कुछ खाएंगे पियेंगे, आपको दिखाएंगे। लेट्स गो। सो आ गए हम अपने पहली डेस्टिनेशन पे, सेंट मेरीज चर्च। छोटा खूबसूरत चर्च है, जैसा कसौली में चर्च है थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा है, बट वो वाला तो काफ़ी बड़ा है, ये उतना बड़ा नहीं है। सेंट मेरीज चर्च लैंसडाउन। 1895 में स्टार्ट हुआ था ये चर्च बिल्ड होना, इन 1896 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी एक ही साल में। अब अंदर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। लेट्स मूव इनसाइड। यहाँ पे केयर टेकर बता रहे हैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन चल रही है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो फिलहाल ये हाल है चर्च का। वेरी क्यूट गोल्डी, कर लूँ या पेट। हेलो, क्या नाम है इसका? स्नूपी, स्नूप डॉग। पहुँच गए आप मेन लैंसडाउन मार्केट। यहाँ का काफ़ी फेमस एक रेस्टोरेंट है, और हम जहाँ खाने वाले हैं वो है ये टिप्सी। इतनी बड़ी लौकी देखी है आपने कभी? कोजी सी वाइब है इस प्लेस की। वी हैव ऑर्डर्ड बिरयानी है, जो कि देखने में तो लजीज लग रही है। और यहाँ पे हमने मोमोज ऑर्डर करे हैं, बिकॉज पहाड़ों पे आके थोड़ा सा मूड कर जाता है यार मोमोज का। लेट्स ट्राई इट आउट एंड लेट्स सी। जो अभी टिप्सी पे था खाना वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज था, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। सो इट्स अ पास फ्रॉम माई साइड। हाउ इज इट? चिकन फीलिंग अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट है। सो वी आर बैक एट द होटल, एंड अब यहाँ पे थोड़ा सा फन करते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं, कुछ पूल वगैरह। We are now finally at the terrace, और मस्त रिलैक्स कर रहे हैं अब रात को, आफ्टर ऑल द गेम्स, द पूल, टीटी, एवरीथिंग। एंड आकाश जो है, ही हैज रिसेंटली स्टार्टेड डीजेइंग, सो ही इज प्लेइंग अ सेट, यू गाइस चेक इट आउट। हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, इट्स अनदर ब्यूटीफुल डे हेयर इन लैंसडाउन। तो आज हमारा ये प्लान है, हम रेडी होके पहले तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके जा रहे हैं घूमने, और लोकल साइट सीन करेंगे लैंसडाउन की। क्या मेन अट्रैक्शंस हैं घूमने के लिए अगर आप लैंसडाउन आ रहे हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को अभी तक तो फटाफट से जाके कर दो। चलिए रेडी होते हैं और निकलते हैं लैंसडाउन घूमने। We have reached the main market once again. यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं जायका रेस्टोरेंट में। पहुँच गए हैं भुल्ला ताल पे, एंड यहाँ पे एम्पल पार्किंग स्पेस है, अगर आप कार से आ रहे हो तो बहुत स्पेस है यहाँ पे। नो पॉलीथिन, ऑफेंडर्स विल बी पिनलाइज्ड, ये चीज़ हर जगह फॉलो होनी चाहिए, बहुत सही है। तो भुल्ला ताल की जो टिकट है वो है 150 रुपये। मैं आपको दिखा देता हूँ टिकट, दिस इज द टिकट एंड प्राइस इज 150 रुपीज़।
एंड इसमें बोटिंग इंक्लूडेड है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बोटिंग नहीं करनी तो पैसे कम हो जाएंगे, बोटिंग आपको करनी ही पड़ेगी, या नहीं करनी तो आपकी मर्जी है, बट टिकट प्राइस इज 150 रुपीज। चुनता हूँ ये बोट। तो इसके काफ़ी सिंपल कंट्रोल्स हैं, बैक पेडल फॉर बैक गियर, और यहाँ है हमारा रोटेटिंग लीवर। ट्राई करेंगे ये आर्चरी, 10 रुपये के 3 तीर है और 10 पे लगेगा, 10 नंबर पे, तो 3 तीर एक्स्ट्रा मिलेंगे। देखते हैं कितना बढ़िया निशान है। तीर नहीं पकड़ना, तार पकड़ना ये। हाँ तार पकड़ना बस, ऐसा ना। पहली बार में 10 तीन तीर और मिल रहे हैं हमें, फिर पहली बार में 10, दरवान सिंह संग्रहालय। और यहीं सामने परेड भी हो रही है, आपको आवाज आ रही होगी, क्या आवाज है यार। तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है इस म्यूजियम में, बट काफी अच्छा म्यूजियम था। एक्चुअली जो ट्रेनिंग हो रही है जवानों की वो काफी ब्रेथ टेकिंग है यार, मतलब उनकी आवाज इतनी दूर से इतनी तेज और क्या ठोस आवाज है, सुन के मजा आ गया। मतलब मैंने कभी नहीं देखी ऐसी ट्रेनिंग पहले। It's a great experience to watch them. So the next amazing place in Lansdowne is Tippin Top, जिसके glimpse अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। Now checking out from the place and Hotel Rewind Palace, बहुत ही बढ़िया होटल, खाना एक नंबर, स्टे एक नंबर, फैसिलिटीज, पूल, गेमिंग, सर्विस, स्टाफ, everything was perfect, actually perfect, and मैंने गूगल पे भी इनको 5-star ratings दिया अभी just to appreciate, and अगर Lansdowne आ रहे हो I would highly recommend this place, budget friendly, only 3,000 rupees for a room and proper luxury vibes out here. चलते हैं, अब निकल रहे हैं गाड़ी में और मिलते हैं आपसे ऋषिकेश में। सो आई रियली होप यू गाइज एंजॉय दिस व्लॉग, एंड अगर सही में एंजॉय करा है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सो दैट आप आगे आने वाला कंटेंट मिस ना कर दो। एंड इसका पार्ट टू, जिसमें मैं ऋषिकेश का पूरा भ्रमण करने वाला हूँ, हॉस्टल से लेकर घूमने से लेकर राफ्टिंग तक सब कुछ बताने वाला हूँ मैं उस व्लॉग में, उसे देखना मत भूलिएगा, आने वाला है वो जल्द ही मेरे चैनल पे। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइज, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। Keep smiling, keep traveling.